बाबूजी, हे बाबूजी, ये किसके सपने देखे जा रहे हैं? सपने दिन को नहीं रात को देखे जाते हैं। मैं तो दिन को भी देखती हूँ। तो बड़ी खुशी से देखो, लेकिन खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। कोई बैठने को कहे तब ना। अपनी मर्जी से आई हो ना, मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। कार्ड तो उसको भेजा जाता है जो दूर हो, मैं तो इसी घर में आपके पास हूँ। मैं पोस्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं तो इनविटेशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि निमंत्रण पत्र। बाबूजी, आपको एक अनपढ़ देहाती लड़की के सामने ये अंग्रेजी जानने की आदत क्यों है? जरा परे हटिए, मैं भी बैठती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप अकेले एक ही जगह इतनी देर तक कैसे बैठ सकते हैं? आपका दिल नहीं घबराता? मैं तो रसोई में 10-15 पल भी बैठती हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा? हाँ, सब्जी काटती हूँ तो आपका ध्यान आ जाता है। अच्छा? हाँ, दाल में नमक डालती हूँ तो आपका ख्याल आ जाता है। अच्छा? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे नाम का पता है? पता तो नहीं, लेकिन होगा कुछ राम कुमार, श्याम कुमार, दिलीप कुमार। देखो, ना मैं राम हूँ, ना मैं श्याम हूँ, और ना ही मैं दिलीप हूँ, लेकिन कुमार जरूर हूँ। अच्छा, तो आपका नाम कुमार है? सिर्फ कुमार नहीं, राजन कुमार। घर वाले मुझे प्यार से राजू कहते हैं। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो राजन कह सकती हो। अच्छा, तो राजा साहब, आपको किसी रानी की जरूरत नहीं है? रानी की जरूरत तो नहीं, बल्कि एक ऐसी महतरानी की जरूरत है जो मेरे कुंवारपन की कोठरी में झाड़ू लगाकर उसका गर्दोगुबार साफ करके मुझे अपना बना ले। झाड़ू लगाए तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आता है। लाइए, मैं आपका हाथ साफ करती हूँ। तुमसे मेरा हाथ ज्यादा साफ है लव, पहले मैं तुम्हारा हाथ साफ करूं। हाय, मेरी अंगूठी। मेरी अंगूठी, इसका मतलब जानते हैं आप? तुम समझा दो। जब कोई लड़का लड़की अंगूठी बदल लेते हैं, उसका मतलब होता है उनकी मंगनी हो गई। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? Excellent. Fantastic. Most romantic. As opposed to आजकल की फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता। राजन, अगर मैं ये फोटो प्रिंट करा कर किसी फिल्म कंपनी को भेज दूं तो तुम दोनों को हीरो हीरोइन का चांस मिल जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बलवंत, किसी की प्राइवेट तस्वीर छपवाने से हथकड़ी भी लग सकती है। तुम हर किसी को अपने जैसा मत समझो। मैं तारा से शादी करूंगा। शादी? और इससे राजन, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी का फूल है। जैसे मान लो आज तुम सूंघ रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अगर कल मैं सूंघूं तो तुम्हें नाक दूसरी तरफ कर ले। Thank you.
लोग फाइटिंग की रिहर्सल कर रहे हो, कमाल है। अरे अरे खून, अरे यार कमाल हो गया। बलवंत, मेरा नाम भी राजन है, अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। अरे जा जा, तू क्या हिसाब किताब लेगा, स्कूल मास्टर मर गया इसी तमन्ना में कि मैं कुछ हिसाब किताब सीखूं। लेकिन मैं तुझे वहां मारूंगा जहां पानी भी नसीब ना हो। पानी पीने की आदत तो हमने बचपन से ही छोड़ दी थी। चल थूक दिया गुस्सा, ला मिला हाथ। अरे मिला ना यार हाथ पर। परे, परे। अरे मेरी तरफ देख यार, दिल पर कितना बड़ा घाव खाए बैठा हूं, लेकिन मैंने मुंह से चू तक भी नहीं की। देख राजन, इन प्यारी प्यारी सूरतों से ये प्यारे प्यारे खेल तो मैं बचपन से ही खेलता चला आया हूं। लेकिन देख, आज तक किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखा। दिल होता ऐसा हो। चल विस्की पिए। अरे हाँ, तू तो विस्की पीता ही नहीं, इसीलिए कमजोर है। चल चल। तुमने अंगूठी तो बदल ली, लेकिन आज रात 12 बजे तक तुम्हारा इम्तिहान है। अगर आधी रात को तुम गाती हो तो आज न गा सकोगे। ये लीजिए, मैं जाती हूं। मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? इसलिए कि हम दोनों ने जीवन भर साथ रहने की सौगंध खाई है, पराए अपने हो चुके हैं। कितने बज गए? अभी तो सिर्फ 12:45 बजे। 12:45? मैं जाती हूँ। हाय, कितनी जोर से हाथ खींचा है मेरा, अब जाने भी दो ना। तुम आई हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। अब जाओ राजे। हलचल सी मचाकर कहाँ जा रही हो? सुन रही हो कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं? तुम भी सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है, अब मुझे रसोई में जाने दो। ठहरो, अभी तो किसी के गाने की आवाज आएगी। हो सकता है ना आए। क्यों, यहाँ तो हर रोज आधी रात को किसी के गाने की आवाज आती है। मैंने तो कभी नहीं सुने। तुमने वो गीत कभी नहीं सुना? तो मैं इस हवेली में थोड़ी रहती हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए खाना बनाने आई हूँ। अब मुझे जाने दो राजन, बहुत नींद आ रही है। चाल सा आ गया, पर्दे हवा में उड़ने लगे, हर चीज खड़खड़ाने लगी, कभी मधुर सी हंसी और कभी डर भरा गीत और कभी परिंदों की चीखने की खौफनाक आवाजें और पायल की झनकार।
तो क्या तुमने किसी खूबसूरत लड़की का साया भी देखा जो गीत गाता हुआ उधर से गुजरा हो? साया? नहीं नहीं, मैंने साया भाई को नहीं देखा, लेकिन लेकिन आवाज जरूर सुनी थी। मुझे तो डर लग रहा है, मैं जाती हूँ। दिल मजबूत रखो कुमार, अगर किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। की तरह रंग में भंग डालने ढोंगी कहीं के। अच्छा डालनी चाहिए तुम्हें, नौकर और नौकरानियां मारी चली औलाद की तरह होती है। मैं कौन सा इसकी जान ले रहा था, अब मैं भी तो इसे गोद ही खिला रहा था। भैया ना तुम समझे और ना समझोगे। हाँ यार, अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। भैया आशिकों को किसने समझाया? मेरा ख्याल है तुम्हारी आशिकी का भूत निकालना ही पड़ेगा। पहले हवेली का भूत तो निकाल लो। बलवंत भैया, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम उस खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो जिसके तुम चश्मे चिराग हो। कुमार, अगर तुम्हें अपने खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है तो अपने खानदान की फहरिस्त से मेरा नाम कटवा क्यों नहीं देते? कटी हुई पतंग की तरह। ये बात है तो तुम्हें राह पर लाने के लिए मुझे ही कोई तरीका सोचना पड़ेगा। अच्छा सब तो चलो। मैं क्यों चलूं? तुम जाओ, शिकारी जब शिकार पर निकलता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। अच्छी बात है, तारा तुम चलो मेरे साथ। हमारे पहलू में क्या बुरी लगती है जो तुम्हारे साथ जाए? कुमार, मेरे जाती मामलात में दखल मत दिया करो। बलवंत, एक मासूम लड़की की इज्जत का मामला किसी का जाती मामला नहीं होता बल्कि सारे समाज का होता है। चल जाओ यहां से। तूफान उंगली के इशारे से अपना रास्ता नहीं बदलता। आ जाओ। समझे तो ना, शैतान भी किसी का भाई हुआ तो तुम हो गए। ये हवेली फूटों की पहली तो पहले से थी मगर ये पानीपत का मैदान भी हो गई। क्या हो रहा है, क्या हो गया भाई? बात इनसे पूछो जिनके लिए दुनिया की हर औरत एक दिल का पहलावा है। अभी अभी ये तारा के साथ नहीं निकल रही। अरे तो मैंने कौन सा उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, खाली बहिया ही तो पकड़ी थी। तुम क्या करे हो, जाओ चलो काम करो। क्या देख रहे हो? भाई भाई का झगड़ा है, जाओ। अच्छा तो ये प्यार मोहब्बत का झगड़ा है, तब लगे रहो, लगे रहो। ना मिला हाथ, नहीं मिला था। अरे भाई चल, मैं हारा तू जीता बस, तू भी क्या याद करेगा कि एक दिल वाला भाई मिला था। मेरा हाथ? मैं हाथ वाथ नहीं मिला था। अभी पिताजी को फोन करता हूँ, तुम्हारी ये जायदाद और रोज रोज के किस्से को तमाम कर देता हूँ। अरे जा जा, तू क्या किस्सा तमाम करेगा, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तारा भैया, रो मत बहन, रो मत, नहीं रोते, तेरी इज्जत का रखवाला मैं जो हूं। बाबू लोग ठहरे तो क्या हुआ, अपनी इज्जत के लिए मैं किसी के टुकड़े टुकड़े भी करूंगा।